जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु प्यारे, मेरे गुरु महाराज। आपने मेरे घर पे सत्संग कराया, आपने अपने घर पे सत्संग कराया, आप आए, उसका लख 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 शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत का शुक्राना। बस गुरु जी, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। आप हैं तो हम हैं। जैसे आप मार्गदर्शन अपना दिखाते रहे हैं, हमें सारी खुशियां आपने दी है। अपनी खुशियां, अपना मार्गदर्शन अपने चरणों में हमेशा हमको रखना। बस जहां गलत हो वहां बताना, जहां बस अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग हम सब पे बनाए रखना। शरबत का हमेशा भला करना मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैनू दूर हटावी ना बाबा, दूर हटावी ना इस झूठे जग दे अंदर, मेरा पेचा लाई ना बाबा, पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छटी ना मैं कट दी जावांगी। अज मल्या बूहा आके मैं तेरे द्वार दा, बाबा तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचती जावांगी, तो मैं बचती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट दी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साईया डोर हथों छड़ी ना मैं कट दी जावांगी। गुरु जी की जोत जलाते हुए यही भजन सामने आता है, और मतलब मन के भाव है ये, तो बहुत सुंदर लगता है। आज का दिन गुरु जी ने चुना, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। बहुत सुंदर भाव थे आपके, सभी के थे बहुत सुंदर भाव महाराज के लिए। हम सबकी प्रेयर, सबके भाव, सबके जाप, सबकी जो भी महाराज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब महाराज पर पहुंच रहे हैं इस टाइम, क्योंकि यही टाइम था उनके समाधि लेने का, हम सबको छोड़ के जाने का। सो गुरु जी महाराज हमारे इस टाइम अंग संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आंटी सिखा सकते तो महाराज की ब्लेसिंग है। महाराज जी कहते हैं ना, एक इंसान अगर घर का कर रहे है, मतलब हम तो नहीं कर रहे, वो महाराज जी करवा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली महाराज ही करवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज का। बस महाराज अनंतम शुक्राना। आंटी पति, अभी मैंने यहाँ पे एक पेट में एक आंटी है, उन्होंने टीवी में कोई प्रोग्राम देखा था, तो जी उन्होंने बड़ा एक अच्छी लाइन शेयर करी थी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, किसी सत्संग में हम गए थे, वहां पे उन्होंने ऐसी कहती, मैं कोई शो देख रही थी, कोई गानों का ही प्रोग्राम आ रहा था, जैसे ये जो म्यूजिक शोज, म्यूजिकल शोज वगैरह आते हैं जैसे जो चैनल्स पे, तो कहते हैं उस पे कोई बोल रहे थे कि कोई, मतलब दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट गुरुजी, बट वो जनरली बात कर रहे थे कि बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ना, स्पिरिचुअल पाथ पे लाना एज अ पेरेंट, ये बहुत पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली इन टूडेज टाइम जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए। तो कहते उसमें कोई बच्चा था जो जो वो कंटेस्ट जीता, समथिंग लाइक दिस, तो वो बच्चे की मदर को जब बुलाया गया, तो उसने बोला मदर ने कि भाई ये बच्चा बचपन से ही बड़े उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है एंड ऑल दैट। तो मतलब तो वो कहती कि वो बच्चे की मदर ने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि हम भगवान के भी आगे ताजे फूल चढ़ाते हैं ना, जैसे प्रभु के आगे भी, चाहे वो गुरु जी हो या किसी भी भगवान के आगे, हम हमेशा फ्रेश प्लांट्स चढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि ओल्ड एज में तो व्हेन वी आर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, ग्रेजुअली धीरे धीरे
लोग जुड़ ही जाते हैं सर, तो कहते हैं एज अ पेरेंट अगर हम बच्चों को व्हाई नॉट यू नो कनेक्ट देम टू ऑन दिस पाथ एज अ पेरेंट, मतलब हर पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि बचपन से वो करें ताकि गुरुजी को भी हम यू नो बच्चों के फॉर्म में फ्रेश फ्लावर्स, बच्चे फ्रेश, मतलब बच्चे आर लाइक दोस बड्स ना, लाइक दोस सैपलिंग्स विच विल टर्न इनटू फ्लावर्स. तो कहते वो जैसे कच्ची कलियां होते हैं बच्चे, तो कलियां भी बन के जब फूल बनती है तो हम क्यों ना बच्चों गुरुजी को भी छोटे छोटे बच्चों के रूप में ऐसे वो करें कि फ्रेश फ्लावर्स की तरह. मतलब आई एम नॉट एबल टू से द वे वो आंटी ने डिस्क्राइब किया, बट आई होप आपको मतलब मेरा मैसेज पहुंच गया हो जो वो आंटी कहना चाह रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में. आज बच्चों की बात हो रही है तो आंटी ने बड़ा अच्छे से समझाया हमारे ये बड़े होते हैं ना ये चीज भी आंटी, ये चीज भी मैं मानती हूँ. जैसे मेरे घर में पहले मेरी मदर इन लॉ थे, तो मेरी मदर इन लॉ जैसे मतलब हर घर का कोई ना अलग अलग सिस्टम होता है, तो मेरी मदर इन लॉ जैसे जाते थे तो वो मेरे जब बच्चे छोटे छोटे थे तो ये देखते थे अपनी दादी को, जैसे हम बड़े वो देखते थे तो हमारे बच्चे भी देखते थे. तो ये मतलब बचपन से ही हम जैसे बच्चों को डालते हैं तो वैसे वो बच्चों के दिमाग में वैसे वैसे मतलब ग्रोथ वैसे वैसे ही होती है ना, तो वो ये खुशी मिलती है, ये चीजों की खुशी होती है. हाँ जी, तो जो चीजें हम अभी पा रहे हैं महाराज के साथ कनेक्ट होने की, मतलब महाराज के साथ अभी हमें बेशक हम सत्संग सुन रहे हैं, हम अपने पे कितना अमल कर रहे हैं, हम तो अपने आप को मतलब सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम वही चीज चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर भी वो चीज हो. तो पहले तो हम अपने आप को ही करेक्ट करेंगे, फिर ही वो चीज हमारे बच्चों के अंदर आएगी ना. तो जब तक करेक्ट कर पाएंगे तब तक तो हमारे बच्चे के अंदर भी नहीं आएगी. तो जब तक हमारे अंदर वो चीज करेक्ट होगी तभी हमारे बच्चे के अंदर आएगी ना, तो वो तो हमारा ही फर्ज है. तो जब हमारे बच्चे के अंदर वो चेंजेस आएंगे तो हमें तो अलग ही, माओं को तो अलग ही खुशी मिलेगी ना. तो पहले तो हम अपना ही घर साफ करेंगे, फिर ही हम दूसरे के इंसान को बोल सकते हैं ना. तो ये शुक्राना तो आपने तो हमें कोई बॉन्डिंग नहीं रखी, कोई रिचुअल्स नहीं रखे, कुछ नहीं रखा, बिल्कुल सिंपल हर चीज में ही सिंपल किया हुआ है. तो बस यही शुक्राना है, शुक्राना वर्ड भी नहीं हम मतलब वो कर सकते है ना, मतलब कितना हमें महाराज ने कितना कुछ सिखाया है. ये चीज है, भक्ति तो पहले भी करते थे आंटी, पहले डर की भक्ति होती थी ना, अब डर की भक्ति नहीं ना है, ये चीज है. अब प्रेम की भक्ति है, पहले डर की भक्ति थी. स्पेशली हमारे हिंदुइज्म में तो आंटी इतने रिचुअल्स थे जो हम करते रहते थे बिना सोचे समझे. मैं अपनी बात तो कर रही हूँ आंटी, बट थैंक गॉड गुरु जी टुक अस आउट ऑफ ऑल दोज. पहले तो हमें कि मंगलवार आ गया, सोमवार आ गया, अच्छा जी ये प्रसाद नहीं चढ़ाया, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब हर एक का आंटी. अब मुझे नहीं पता मतलब हर एक का होता था ऐसा, तो मैक्सिमम लोगों के अंदर ये चीज होता था कि अगर प्रसाद नहीं चढ़ाया ये चीज ना हो जाए, शनिवार को ये चीज ना करेंगे तो ऐसा. अब गुरुजी जब से गुरुजी लाइफ में आए तो अब ये चीज का डर नहीं है हमारे. बिल्कुल बिल्कुल आंटी, गुरुजी ने इन सब फालतू के वहमों से और ये रिचुअल से निकाल दिए हमें. तो शुक्राना गुरुजी का, बेहद शुक्राना आंटी. थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना, थैंक यू. सारे रिश्ते बदल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं गुरुजी, पर जो रिश्ता गुरुजी ने बनाया है, जो सोल से आपकी आत्मा का जो रिश्ता होता है, वो केवल आपके गुरु का होता है. कितना सुंदर है ये. तो ऐसे ही मुझे हर पल यही महसूस होता है, गुरुजी से आगे, गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है. ही इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज ऑलवेज अराउंड विद अस, ऑलवेज. जैसे गुरुजी कहते थे ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज, वैसे ही मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी यू आर ऑलवेज अराउंड, ऑलवेज. तो यही कहते हुए थैंक यू नितिका फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल day, this beautiful satsang. I joined from the start. I couldn't believe it. मैंने सोचा था कि मैं अपना ये थोड़ा सा यहाँ यहाँ जो जो जाना था जा करके फिर मैं ज्वाइन कर लूँगी टाइम से, पर गुरुजी ने जैसे एकदम से शुरू से ही बैठा कर रखा और इतना सुंदर ये पूरा दरबार देखने को मिल रहा है, गुरुजी का दर्शन करने को मिल रहा है. It is just amazing, amazing. Thank you so much. It doesn't belong to us, it doesn't belong to me, because this satsang is only about Guruji's blessings. Isme keval Guruji ki hi rehmat hai.
वी आर, हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जैसे आप हम सबको अलग करके केवल गुरुजी की ही रहमत अगर आप सुनेंगे तब आपको केवल गुरुजी ही दिखाई देंगे। मेरा तो ना नाम ना पहचान ना मेरी कोई मेरा अस्तित्व है, क्योंकि सब कुछ हो गया गुरुजी के दर्शन के बाद। ऐसा लगा कि हम सारे एक स्पेक ऑफ द डस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट गुरुजी, गुरुजी, इट्स सेल ऑफ माय बॉडी, एक एक कतरा जो है वो सारे गुरुजी का ही है, सब कुछ उनका है। तो यही कहते हुए मैं अपनी जर्नी शुरू से, गुरुजी अक्सर कहते थे आंटी अपनी जर्नी शुरू से बता कौन लेके आया तुझे गुरुजी के दरबार में। 1998 में हमारे चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह जो दिल्ली में उस समय थे, और उन्होंने जबकि देखिए वो तो हमारे मेरे हस्बैंड के एमपी जी के चाचा जी थे, और कितने सालों से हम साथ में आते जाते रहते थे, विजिट करते थे, पर उन्होंने आज तक कभी भी नहीं बताया था। तो ये टाइम, ये दिन, ये पल गुरुजी स्वयं डिसाइड करते हैं कि किसके थ्रू कौन गुरुजी के दरबार में आएगा, वो किसको बुलाएंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आज भी जो ये हो रहा है, जो जिसने जिसने ज्वाइन किया है, ये कोई आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। गुरुजी का जब बुलावा आता है तो हम सारे काम छोड़ करके गुरुजी से जुड़ते हैं, चाहे वो कुछ पल के लिए होते हैं, पर उसमें इतनी ब्लेसिंग समाई होती है। तो उसी प्रकार वो गुरुजी का बुलावा था। यूएस में हम सब थे, और मेरी जो बीच वाली बेटी थी, मेरी तीन बेटियां हैं फिर एक बेटा है, तो बीच वाली जो बेटी थी, हम लोग यूएस में ही रहे बहुत सालों से, और वो यहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई, और उसको बचपन से ही बहुत बड़ा अस्थमा था, और किसी चीज़ से वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो गुरुजी की वेट कर रही थी ना, गुरुजी का बुलावा आना था ना। वेन कहते हैं ना, वेन वेन द डिवोटी इज रेडी, then Guruji, Guru appears, because it's none of our, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, वो Guruji decide करते हैं, कब हम उनको समझने के योग्य होंगे तभी वो आते हैं हमारी लाइफ में। तो Guruji decide करते हैं, और फिर उसका एक और सेंटेंस है, and when the devotee is really ready, then Guruji गुरु डिसअपीयर्स, क्योंकि उनका काम हो गया, जो सिखाने आए थे, जो जो सीख सके, जिन्होंने सीखा वो अपनी बॉडी छोड़ करके चले जाते हैं, पर उनकी शक्तियां हमेशा रहती हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो उसी प्रकार से गुरु जी ने बुलावा भेजा, और यूएसए हम सब सिंगापुर में मेरे हस्बैंड का वहां पर हुआ, और हम सब वहां मूव हो गए। वो 96 जनवरी का टाइम था, हम सोचते हैं हम अपने से गए, पर ये सब गुरुजी ने पहले से ही प्लान करा हुआ था, क्योंकि हम उस समय बहुत ही परेशान थे, बेटी की मेडिकल कंडीशंस थे, केवल आस्मा ही नहीं था, उसके साथ बहुत बहुत मेडिकल कंडीशंस थी, जो बहुत मुश्किल टाइम हो रहा था। तो गुरुजी ने दया करी होगी, क्योंकि मैं महादेव की बचपन से पूजा करती थी, जो माता रानी की, और हमेशा महादेव से कहती थी कि मैं सुनती हूँ और पढ़ती हूँ कि आप तो बैद्यनाथ हैं, आप सब कुछ ठीक कर देते हैं, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। और मालूम नहीं था कि एक दिन, कहते ना आप यूं ही एक दिन मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। ऐसे ही सिंगापुर गई, और वहां से जब इंडिया विजिट करने के, तो मेरे चाचा जी ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, तुम लोग इतने परेशान हो, अगर गुरु जी की कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएगी, तुम लोग मेरे यहाँ आ जाना, कल थर्सडे का दिन है, 5 बजे आ जाना। और कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, और हम सब इतने परेशान थे, और मैंने कहा कि चाचा जी तो इतने इतने हम सबके पूछनी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर
विद सो मच रिस्पेक्ट वी हैड एंड रिगार्ड्स. हम सब ने कहा जी हाँ बिल्कुल. हम सब वहां पहुंचे चाचा जी के साथ, और फिर जैसे ही अंदर गए, वो दूर उनकी गली होती थी, बाहर पार करना होता था, चलना पड़ता था, बहुत दूर से रूहानी खुशबू आनी शुरू हो गई. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कुछ पूछा नहीं, चुपचाप चलती रही चलती रही, और गुरुजी के दरबार तक पहुंची. सबसे पहले चाचा जी गए, फिर मेरे हस्बैंड, बच्चे सब गए. मैं एकदम एंड में थी, और वहां जब पहुंची तो बहुत ऊंची ऊंची शब्द बज रहे थे, चारों तरफ लाइटें लाइटें थी, और गुरुजी एक यंग प्रिंस डैशिंग. सोची 98 में गुरुजी कैसे लग रहे होंगे, इतने यंग. उनकी स्किन, उनका फेस इतना ग्लो जो आज तक कहीं नहीं देखा. वो तो ईश्वर महादेव, उनका तेज गर्भुर गौरव, इतना तेज. और वहां पर बहुत तेज शब्द बरस रहे थे. और देखिए वहां जब पहुंचे तो अज्ञानता में पहुंचे थे ना, इग्नोरेंस में. और जैसे ही चाचा जी ने प्रणाम किया, हम सबने उसी तरह उनको देख करके प्रणाम किया. जब मेरी बारी आई, मैंने उनको प्रणाम किया. गुरु जी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मेरे आसपास जो भी जुड़ा हुआ था. जैसे वो पता नहीं कितने कब से मुझे जानते होंगे, पर मैं तो ना समझ नहीं पाई. मैंने सोचा चाचा जी ने बताया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अच्छी चीज नहीं समझ पाते हो राइट अवे. अच्छी चीज को हम हमेशा डाउट करते हैं. वही मेरा हाल था उस समय. और फिर गुरु जी का इत्थे बैठ जाए. गुरु जी अक्सर लोगों को इशारे से कहते थे इत्थे बैठ जाए, इत्थे बैठ जाए. जिधर गुरु जी कहते थे वहां बैठ जाते थे, या जहां सेवादार कहते थे. पर गुरु जी ने इशारे से कहा दीवार के सहारे इत्थे बैठ जा, तो हम उधर ही बैठ गए. पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. मैं तो चारों तरफ ऐसे देख रही थी कि यहाँ कहाँ आ गए हैं. ऑल द लेडीज वर सो ब्यूटिफुली ड्रेस, कोई उनके पैर दबा रही है, कोई उनके हाथ दबा रही है. एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर मी डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी वॉज टोटली डिफरेंट एट दैट टाइम. मैंने सोचा था कि बहुत कोई बुजुर्ग से कोई गुरुजी होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, वहां चुपचाप बैठना होगा, और स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बातें नहीं करते हैं, साइलेंस में रहते हैं. यहाँ पर तो इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है, और गुरुजी को क्या तकलीफ है, वो क्यों अपने पैर दबवा रहे हैं. ऑल दोस नेगेटिव फीलिंग्स आई हैड एट दैट टाइम. And I was sitting and doubting Guruji and thinking कि ये कैसे ठीक करेंगे, इतने young handsome हैं, ये प्रिंस की तरह ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे. यही क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था. पर बार बार जैसे होता है ना, योर माइंड इज इन dual मोड, हियर एंड देयर, जैसे टिप करता है इधर उधर. और फिर दूसरे पल ये समझ में आ रहा था, नहीं चाचा जी तो बिल्कुल नो नॉनसेंस पर्सन है, वो कोई गलत जगह नहीं ले जाएंगे. I must trust him. यही दोनों विचारों में इधर से उधर सोच रही थी. और उसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास. मैं उठ के गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे गुरुजी से बात करते हैं, ये भी नहीं मालूम था मुझे. मैं चुपचाप उनके सामने एकदम बैठ गई और उनकी तरफ निहारने लगी. गुरुजी ने राइट अवे आई कॉन्टेक्ट हुआ, और गुरुजी ने मेरे तरफ देख के राइट अवे कहा, तो डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है. और मैं रोने लगी, क्योंकि गुरुजी का तेज, गुरुजी का वो आई कांटेक्ट, ऐसा लग रहा था जैसे ही हैज जस्ट रीच माय सोल. एंड जब आप डिविनिटी के सामने होते हो, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर टीयर्स और योर इमोशंस. आई वाज जस्ट क्राइंग, एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट माई डॉटर. आई डेंट नो, यहाँ पे कुछ बोला नहीं होता है. मैंने सब कुछ गुरु जी को पहले ही बार बोल दिया, गुरु जी मैं कैसे ना डाउट करूँ, और ये मेरा जो जो बैगेज था सब कुछ
मैंने गुरुजी को बता दिया और गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर करके कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। आई डिडंट अंडरस्टैंड द वर्ड कल्याण। मैंने सोचा यू ही कह देते होंगे, पंजाबी मुझे आती नहीं थी। एंड देन गुरुजी सेड, जा उठे बैठ के लंगर कर ले। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। I was just going through a very bad phase. I had just lost my brother who was in the army. He was not even 40 years old, my elder brother. There was a big chopper crash. He was on duty. और मैं उस समय बहुत ही sadness से गुजर रही थी. It had just happened a year back. और मेरे अंदर एकदम sadness भरी हुई थी. और उस दिन गुरुजी ने मेरे भाई के बारे में भी पूछा, क्योंकि वो आर्मी में थे. मुझे नहीं मालूम था गुरुजी आर्मी वालों से इतना प्रेम करते हैं. एंड उन्होंने जब मेरी तरफ देखा, उस दिन के बाद से आज तक वो sadness कहाँ गई, वो void कहाँ गया, मुझे आज तक नहीं मालूम. गुरु आपका पेन हर लेते हैं, गुरुजी आपका दुख दर्द हर लेते हैं. गुरुजी आपकी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, आपका कि कोई बीमारी हो, पर वो गुरुजी डिसाइड करते हैं टाइम कब है, कब हमें मिलने का टाइम है उनसे, कब हमें उनको समझने का टाइम है, वो डिसाइड करते हैं. कितना पल हमारे जो कर्म है, जब वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है. द रियल ग्रोथ बिगिंस व्हेन गुरुजी वांट्स अस टू ग्रो. हमारे ऊपर कुछ भी नहीं निर्भर करता है. दिस इज ऑल गुरु कृपा. एवरीथिंग ही कंट्रोल्स. और उसके बाद जैसे मैंने कहा, मुझे जैसे वो जो अंदर से जो दुख दर्द था, वो सब एक पल में जैसे एक क्षण में गायब हो गया. और उन्होंने जब कहा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, तो वो जो डॉटर हमेशा इनहेलर पर थी, एवरी 2-3 आवर्स सिंस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग. और वो रास्ते में आते समय, जब कार में हम आ रहे थे नोएडा से, उसने लास्ट पफ तभी लिया था. और वो आज का दिन शी हैज नॉट यूज्ड इनहेलर. ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कोई नॉर्मल गुरुजी नहीं है. ही इज महादेव. He's Lord Shiva himself who descended on this earth for some time. And his Shakti is still here every minute. Tabhi to itne log jod rahe hain. Any corner of the world. Chahe kahin bhi ho. Chahe main yahan hoon, London mein, kahin bhi ho. Everywhere is Sangat. Everywhere. Ye kaise ho sakta hai? Koi guru ke jaane ke baad इतनी संगत बढ़ेगी? चाहे वो बड़े मंदिर में आप देखिए, लाइने मिलो लाइने लगती है, बिकॉज गुरु जी की हीलिंग हो रही है. उनकी हीलिंग बहुत ज्यादा हुई जब गुरु जी लेफ्ट हिज चोला. एंड इट्स स्टिल हैपनिंग. आई विल गो टू इट. आज पता नहीं कितना टाइम है, थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी. गोइंग बैक, That is all he did. He raised his hand and my daughter was healed. वो तो बाद में उन्होंने जाते समय कहा कि कल तो तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम ले आई. एंड उसके बाद हमें कोई समझ नहीं थी. मैं तो लोकल मार्केट से लेके गई थी. गुरु जी ने उसको रिफ्यूज कर दिया ब्लेस करने से और कहा तू कॉटेज एम्पोरियम से लेके आ, चमकता हुआ, कोई डेंट ना हो, कोई दाग ना हो. मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है?
तो ये मैं नई संगत के लिए जरूर बोलूंगी, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये हम छोटी कहते हैं पर इसी में गुरु जी की ब्लेसिंग्स छिपी हुई हैं। अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना है तो उसके लिए जो गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं उसको फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा चमकता हुआ लोटा होना चाहिए, कोई डेंट ना हो ना दाग हो, तो मैंने मेरी ब्लेसिंग लगती है। नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट टू कॉटेज एम्पोरियम एंड बॉट अ ब्यूटीफुल, जैसे उन्होंने कहा था, लेकर के आए। गुरु जी इतना खुश हुए। अब जब गुरु जी की बात मानते हो ना तो गुरु जी इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, जस्ट लाइक अ फादर। आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तो कितना खुश होते हैं। द सेम थिंग आई जस्ट पुट ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड काइंड ऑफ ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड देन गुरु जी ब्लेस द लोटा। आप सबको मालूम ही है किस तरह से उनके जो नियम हैं वो हैं, पर उन्होंने एक और चीज कहा था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था आज से निंदा चुगली बंद, त्यों मैंने ब्लेसिंग लगती है। मतलब अगर गुरु जी की ब्लेसिंग आपको लेनी है, आप लोटे का जल पी रहे हो, क्या आप गुरु जी से जुड़े हो, तो गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के कुछ नियम भी हैं। जैसे हर चीज के नियम होते हैं ना, हम ऑफिस जाते हैं तो काम करते हैं, वो भी नियम है, तैयार होके जाते हैं, समय से जाते हैं, एग्जाम होता है तो उसके लिए पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन लेते हैं। उसी प्रकार गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए हम सब कुछ अपना उसी हिसाब से करते रहें और सोचे कि हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमें पूरी तरह से गुरु जी से जुड़ना पड़ता है, और जुड़ना कैसे होता है, जब हम उनकी बातें फॉलो करते हैं। तो गुरु जी ने उस समय बहुत क्लियरली कहा कि आज से निंदा चुगली बंद, but I didn't pay attention to that really, I didn't understand what it means. उन्होंने कहा था कि किस तरह से पानी पीना है और कैसे साफ रखना है, वो सब मैंने अच्छी तरह से सुन लिया था, और किस तरह से उसको उन्होंने कहा था कि इतने दिन तक ऊन पहनाना है और चावल नहीं खाना है, कुछ कुछ वो सब इंस्ट्रक्शन। पर निंदा के लिए जब उन्होंने कहा तो I was kind of surprised. उसके बाद जब बाहर हम निकले तो मैंने अपनी बेटी से कहा, वो कहने लगी माम हाउ डिड डैड गुरु जी नो। हमने कहा कि तुम निंदा चुगली करती हो, इतनी छोटी हो। सो शी सेड माम आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, वो सारे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है और मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो बट हाउ डिड गुरु जी नो, सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमें रियलाइज हुआ कि गुरुजी अंतर्यामी है, वो सब कुछ अंतर्यामी है। मेरे मन की बात उन्होंने सोच ली जब मैं डाउट कर रही थी। फिर सेकंड टाइम ही इज ऑलवेज अराउंड, ही इज ओमनीसेंट, ही नोज एवरीथिंग, नो मैटर वेयर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग। वो तो हम बाद में जुड़े हैं ना, गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया, एंड दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ अ फेथ। मेरी डॉटर को भी फेथ कि हाउ डिड गुरु जी नो। हमने कहा देखा गुरु जी ने कैसे कहा, आज से तुम बिल्कुल नहीं सुनना, सुनना भी मना है, क्योंकि तुम तो सुनती हो वो भी मना है। तो दैट वाज हिज फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि ब्लेसिंग लेनी है तो निंदा चुगली छोड़नी होगी, लोगों को जज करना छोड़ना होगा, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज अनलेस यू include everybody, inclusive होनी चाहिए आपकी prayers, not selective. Everybody, गुरु जी के दरबार में आप देखते हो क्या सब सही सही लोग आते हैं, कई इधर से उधर से कई तरह के लोग आते थे वहां पर गुरु जी ने तो कभी नहीं जज किया ना, गुरु जी तो सबको एक बराबर ब्लेस करते थे। उसी प्रकार हमें भी ऐसे ही करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाने के लिए जो जो हिंड्रेंसेस हैं उसको एक एक करके हटाना होगा। तो ये गुरु जी से सीखा उस दिन, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे गुरु जी के हाँ हम जाते रहे। एंड वो तो पानी, तो वो लोटे का पानी तो उसने बाद में पिया जब हम वापस सिंगापुर गए, पर
पर गुरु जी की ब्लेसिंग तो उसी पल हो गई थी जिस दिन गुरु जी ने उसी समय हाथ उठा के कहा जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, तो उसका इनहेलर उसके बाद यूज ही नहीं हुआ कभी भी। कितने साल हो गए, 98 दिसंबर की बात है। आप सोच सकते हैं कौन कर सकता है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, सब कुछ, एवरीथिंग। अब गुरु जी को हम भगवान नहीं समझे तो क्या समझे। वी केम बैक, हमें लगा कि हमें गुरु जी को थैंक यू करना होगा, हमें वापस जाना है, वापस सिंगापुर आकर के जैसे आदत होती है कुछ थैंक्स करने के लिए कुछ सामान लेकर के आए गुरु जी को। गुरु जी ने कहा कि है ऐसे, गुरु जी आपको थैंक यू करने के लिए आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। गुरु जी बहुत खुश हुए और उस समय गुरु जी ने ऐसे एक उसके गाल पर ऐसे हल्की सी यू हाथ फेर करके कहा इन्हें तो ब्लस होना ही क्या, इन्हें तो शिव जी ने ब्लस किया। तो भी मैं नहीं समझी गुरु जी शिव जी का नाम क्यों ले रहे हैं, पर मुझे कुछ मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। एंड देन गुरु जी से ये क्या लाई है ऐसे, गुरु जी ये आपके लिए, कहते मैंने कोई लोड़ नहीं है, इतने ही सारा बांट दे, सब कुछ गुरु जी ने वहीं बंटवा दिया। दैट्स अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुरु जी स्पेस के, गुरु जी ये ऐसा दर है जहां गुरु जी कुछ भी नहीं लेते हैं, केवल देते हैं चाय प्रसाद लंगर प्रसाद बार बार, इतना प्यार, अनकंडीशनल लव और इतनी रूहानी खुशबू, और ऐसा दर जहां से घर जाने का मन ही नहीं होता था, ऐसा लगता था बस यूं ही बैठे रहे। अक्सर हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते थे सिंगापुर से आते थे, तो हमारा पर्पस यही था गुरु जी के पास जाने का, और हम जल्दी आ जाते थे और बैठ जाते थे। और अक्सर गुरु जी 12-1-2 बजे गुरु जी की जितनी जो मौज होती थी तब तक गुरु जी बैठाए रखते थे, कई बार 2-3 बार लंगर खिलाते थे, अपने हाथ से प्रसाद देते थे। तो ऐसा दर्द तो कहीं देखा ही नहीं था। मैं सोचती थी कि पढ़ती थी बचपन में कि भगवान के पास इतनी खुशबू आती है, भगवान के पास इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, तो ये वही दर तो नहीं है। गुरु जी कौन है, गुरु जी कौन है। और फिर धीरे धीरे गुरु जी ने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत एक्सपीरियंसेस दिए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लाइट दी, लोटा 2 बार प्रेस किया, वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि आप कभी ये ना सोचे कि लोटा ब्लेस करने से ही सब चीजें होती हैं। और लोटा मुझे तो कभी भी गुरु जी ने ब्लेस ही नहीं किया लोटे से, सो डोंट फील बैड, यू डोंट नीड अ लोटा, ओनली व्हेन गुरु जी परमिट्स इट विल हैपन, या आपके घर में कोई बहुत बीमार है तब आप लोटा ब्लेस कराइए। आजकल लोग 10-10 लोटा अपने फैमिली का लेके चले आते हैं, इट्स नॉट नीडेड। और अगर आपके घर में गुरु जी का स्वरूप है आप स्वयं उनके सामने रखिए और इस तरह से ब्लेस करा लीजिए, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने तो कहा है जिथे मेरा स्वरूप, वो स्वरूप तो कहते नहीं थे, वो तो फोटो कहते थे, कहते थे जिथे मेरी फोटो उतने ही मैं। तो फिर आपके घर में वही मंदिर हो गया। तो गुरु जी का लोटा का की बात में बताती हूँ कि गुरु जी ने मुझसे एक बार एमपी अंकल के बारे में पूछना शुरू किया, कैसे हैं, कैसी हेल्थ है। तो मैंने, गुरु जी बहुत बात करते थे, आई वॉज यूज टू टॉकिंग टू हिम, सो आई टोल्ड हिम गुरु जी एमपी अंकल को बहुत एसिडिटी होती है, वो मिर्ची वाला और तेल वाला खाना नहीं खा पाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा तो ऐसा कर कल तू लोटा ले आई मैं ब्लेस कर दूंगा। ऐसे ठीक है, नेक्स्ट डे वी टुक द लोटा एंड गुरु जी ब्लेस्ड एंड टोल्ड मी द सेम वे कैसे पीना है, और ये पीने लगे एंड यू वोंट बिलीव द फर्स्ट टाइम ही ड्रैंक, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एसिडिटी की। इट वॉज लाइक अ मैजिक, गुरु जी की जो ब्लेसिंग होती है ना वो मैजिक की तरह होती है, इट हैपेंस। एंड उसके बाद ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, सो ही मेड अ नाइस कवर फॉर द लोटा, और अपने हाथ से ही वो करते थे, और मैं तो बिल्कुल छूती नहीं थी, जैसे गुरु जी ने कहा था वैसे ही फॉलो करते थे सब कुछ, जहाँ जाते थे गुरु जी के स्वरूप के सामने रख देते थे, ट्रैवलिंग में भी सब कुछ। एंड
वन थिंग आई मस्ट टेल द संगत कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो ना रियल सेंस से, गुरुजी 24/7 उनकी निगाहें रहती हैं आपके ऊपर। और ये सत्संग शेयर करूंगी मैं जो प्रूव करता है। अब ये तो अंकल अपने आप करते थे और मैं कभी कभी हंसती भी थी कि आप अपने आप से सब करते हैं और गुरु जी की पिक्चर ले जाते हैं और दुर्गा सरस्वती ये पढ़ते थे वो रखते थे और कुछ फूल उल कहीं होटल्स में जाते थे वो रख देते थे। तो इट वॉज लाइक गुरु जी का मंदिर बना देते थे और वो लोटा वहीं रख देते थे पानी भर करके और प्रणाम करके सो जाते थे। गुरु जी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। एक दिन गुरु जी ने अचानक मुझे फिर बुलाया और मेरे से बातें करने लगे और कहने लगे तू ना एक लोटा ले आई एम पी अंकल नू ब्लेस कर। आई थॉट गुरु जी भूल गए हैं। मैंने कहा गुरु जी आपने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। तो गुरु जी कहते हैं हाँ हाँ मैनू मालूम है दूजा लोटा ब्लेस करना है। सो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज बाय जी गुरु जी एंड देन यू नो व्हाट ही सेड। ही सेड एक लोटा घर पर एक लोटा ट्रैवलिंग के लिए वो जितने जाता है ना ये लिए फिरता है। तो व्हाट डज इट मीन गुरु जी इज ऑलवेज वॉचिंग। ही वॉज वॉचिंग एवरीथिंग व्हाट वॉज हैपनिंग। सो ही वॉन्टेड वन लोटा फॉर ट्रैवलिंग वन लोटा फॉर हाउस। और फिर उन्होंने बताया तभी मेरी समझ में आया ये गुरु जी कभी कभी हम जैसे लोगों को जिनको अकल नहीं होती है बोल के भी उनको समझाना होता था। शुरू में तो कुछ भी नहीं मालूम था गुरु जी के वेज। गुरु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने कितनी किस तरह से उन्होंने ये धीरे धीरे एक एक स्टेप जो है सिखाया गुरु जी के वेज क्या होते हैं। क्योंकि हमारे तो समझ ही नहीं थी हमें कुछ पता ही नहीं था। वॉट एवर गुरु जी हैज सेड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। अपनी हमारी कोई उसमें वो नहीं है इट्स ऑल गुरुजी। एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग व्हाटएवर वी यूज्ड टू डू इन सिंगापुर। हम जब वापस आते थे गुरुजी के दरबार में जैसे ही प्रणाम करते थे गुरुजी सब कुछ रिपीट कर देते थे एवरीथिंग। आज हम किससे मिले क्या बातें हुई कहाँ गए कैसे पहने थे कपड़े क्या खाया कैसे एवरीथिंग ही यूज्ड टू से। यहाँ तक कि हम लोग केवल गुरुजी के मिलने के लिए आते थे उनका दर्शन करने। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो ना कहीं भी मन नहीं लगता है। मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में मेरे सिस्टर्स मेरी पूरी इन लॉज की फैमिली मेरे पेरेंट्स सारे लोग वहां पर। कभी कभी जब एमपी जी का आते थे अपने फार्म से ही टू स्टे इन इम्पीरियल तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। तो मैं किसी को बताती नहीं थी उस समय क्योंकि ऑलरेडी वहां से कार आती थी एंड वी यूज्ड टू जस्ट गो टू गुरुजी। वहां उनके दर्शन करके सीधे इम्पीरियल चले जाते थे। रात के 1-2 बज जाते थे फिर सुबह मैं अपनी माम के पास जाती थी। तो मैंने सोचा था कि हम चले जाएंगे तो मैंने बताया नहीं था किसी को नहीं मालूम था। कैन यू बिलीव हम ऐसे ही करके जब गुरुजी के दरबार में आए जैसे ही प्रणाम किया Both my sisters were sitting there before. उनको कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं आ रही हूँ। वो तो यूं ही गई थी और गुरु जी ने उनसे 1 घंटे पहले बोला कि उषा आंटी आ गई। एंड दोनों सिस्टर्स देखने लगी कहने लगी नहीं गुरु जी वो नहीं आ रही है। गुरु जी सब एक बार बोलते थे आप समझ जाओ तो ठीक है नहीं तो गुरु जी दूसरी तरफ देखने लगते थे। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। And then he said one word, which it's nothing to do with me, it's all Guruji. अगर Guruji ने कह दिया तो हो गया। Guruji ने कहा वो मेरी भक्त आ रही है। And they looked at Guruji and said, Guruji, और हम लोग Guruji just smiled. So this is nothing about me or anything, it's about Guru. जो Guruji कहते हैं ना वही हो जाता है। एवरीथिंग हमारे में कोई भी काबिलियत नहीं है। इसलिए 0-0 एकदम ईगो होना चाहिए। वी हैव नथिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग इट्स ऑल गुरु कृपा। और उसके बाद जैसे मैं एंटर करी मेरी दोनों सिस्टर्स देखने लगी हैरान
गुरुजी को कैसे मालूम था? क्योंकि गुरुजी के साथ आप जब जुड़ते हो, गुरुजी 24/7 ये एक्सपीरियंसेस से गुरुजी इनिशियल स्टेजेस में हमें समझा रहे थे गुरुजी की पावर क्या है, गुरुजी कौन है। कोई मामूली गुरु नहीं है, ये अंतर्यामी है, ये सर्वव्यापी है, ये सर्वशक्तिमान है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ भगवान, ऑफ द लॉर्ड। तो गुरुजी कौन हुए? गुरुजी महादेव है। किस तरह से वो इनक्यूरेबल डिजीजेस ठीक कर देते थे, बैद्यनाथ हैं, अभी तक हो रहा है। और ऐसे ही उन्होंने ये सारी चीजें समझाई, ये एक्सपीरियंसेस देखते, क्योंकि उनको मालूम था अगर गुरुजी प्रवचन करेंगे हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इधर से सुन के निकल जाएगा। इसीलिए गुरुजी प्रवचन ही नहीं करते थे, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। वो कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। ऐसे ही उन्होंने समझाया, धीरे 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 एक एक शब्द, इतने एक्सपीरियंसेस हुए। किस तरह से मेरे बेटे का पैर लेफ्ट फुट अंदर की तरफ से एंकल से मुड़ा हुआ था फ्रॉम बर्थ, और उसकी मेजर सर्जरी होनी थी। सब डॉक्टर्स ने कहा था जैसे बड़ा होगा वी हैव टू डू दैट। 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, 3 डिफरेंट प्लेसेस कंट्रीज वी हैड टेकन हिम। और गुरुजी ने उससे पहले एक दिन मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आज के बाद तुम मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे। और मैं रोने लगी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा मैंने कुछ गलती करी है, एंड आई सेड गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई है, आई एम सो सॉरी गुरुजी। मैं डर गई कि कहीं गुरुजी मुझे बैन ना कर दे। मुझे कभी कभी वहां सत्संग सुनती थी, मैं डर जाती थी, लेकिन गुरुजी मैं मर जाऊंगी आपके दर्शन के बिना। गुरुजी टोल्ड मी ना, आज के बाद तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। गुरुजी सेड जब तू ध्यान में बैठेगी ना, जब तुम मुझसे जुड़ेगी, उस समय तू मेरे से बात कर सकती है, मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, बट गुरुजी ने कहा है तो फिर होना ही था वो। आई वेंट बैक टू सिंगापुर। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पूजा पाठ। बचपन से मेरी आदत थी जो मैं करती आ रही हूं, मेरी मदर ने सिखाया था जो जो जैसे जैसे। एंड देन आई स्टार्टेड सिटिंग इन ध्यान, बिकॉज गुरुजी ने मुझे बताया कि जब तू ध्यान में बैठेगी, बिकॉज वो गुरुजी का आदेश था। और तब तक मुझे पता चल गया था कि गुरुजी कोई मामूली गुरु नहीं है, ही इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। और मैं ध्यान में बैठने लगी, और ध्यान में कोई बैठ नहीं सकता जब तक गुरु कृपा ना हो। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हम नहीं ध्यान में बैठ सकते। मन इतना चंचल है, तन इतना चंचल है, एक सेकंड नहीं बैठ लगता है किसी चीज में, मन नहीं ठहरता है। गुरुजी ने कहा आई यूज्ड टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले, और चुपचाप बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था भगवान इस जीवन में मिल गए हैं और वो बता रहे हैं तो मुझे फॉलो करना है 100%। आई जस्ट फॉलो ब्लाइंडली व्हाट एवर गुरुजी वाज टेलिंग मी, बिकॉज मेरे सोल को पता चल गया था हु इज ही। बट आई स्टिल हैड दिस क्वेश्चन विद इन मी कि गुरुजी आप कौन हैं? आप वो तो नहीं है जिनको मैं पूछती हूँ बचपन से। आई वांट टू नो द रियल यू गुरुजी। और ये बार बार क्वेश्चन ध्यान में मुझे डिस्टर्ब करता था, मैं बहुत परेशान होती थी। और जब भी सिंगापुर जाती थी गुरुजी बात नहीं करते थे, कुछ भी मैंने उसके बाद नहीं मांगा उनसे, केवल दर्शन करके साइलेंस में बैठ के वापस चली आती थी। पर कभी भी अगर मैं दो राह पर रहती थी, गुरुजी हमेशा अपने पास बुलाते थे और उसी के बारे में पूछते थे और एनकरेज करते थे, तब मैं उनको बताती थी और वो उस समय सोल्यूशन देते थे।
ऐसे ही इनिशियल स्टेजेस होने लगी इस तरह से। फिर एक बार जब मैं सिंगापुर गई, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं बात आपसे नहीं करूंगी, पर मैं मन ही मन अपने मन में बात कर रही थी, गुरुजी हु आर यू, हु आर यू गुरुजी, आई वॉन्ट टू नो द रियल यू, दिस इज नॉट वॉट हु यू आर, दिस इज लाइक अ फसाद, आपने मुझे ऐसे मुखेटा सा है, दिस समथिंग बियॉन्ड यू, आई वॉन्ट टू नो द रियल यू गुरुजी। और गुरुजी ने नेक्स्ट डे मुझे अपने पास बुलाया और कहते हैं, संडे था, कहते हैं तू कल बड़े बड़े मंदिर चली जा, उसे दर्शन करके आ। एंड ही गेव मी अ टाइम एंड आई वेंट, इट वाज वेरी वेरी हॉट, जुलाई का टाइम था। मैं जब गई, माले भैया ने खोला, और जब मैं वहां गई, वो जो छोटे से शिव जी हैं, उनकी जैसे ही वो फाउंटेन वाले उनको प्रणाम किया, माई सिस्टम वॉज विद मी, जैसे ही प्रणाम किया, वो शिव जी आधे गुरु जी हो गए, आधे शिव जी, और वो गुरु जी स्माइल कर रहे हैं, और मैं वही प्रणाम करके मैं रोने लगी। एंड आई न्यू दिस इज व्हाट गुरु जी आंसर्ड माई क्वेश्चन दैट वॉज बॉदरिंग मी, आई न्यू इनसाइड, बट आई वॉन्टेड टू नो हु गुरु जी इज। उसके बाद जब गुरु जी के पास गए, गुरुजी ने जैसे उनको मत्था टेका, गुरुजी ने कहा फिर हो गए दर्शन, ऐसे थैंक यू गुरुजी, आई हैव नो क्वेश्चंस नाउ, अब मेरा मन शांत हो गया है, आप वही हैं जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दिस दर्शन, दैट वाज इट। उसके बाद धीरे धीरे इतनी 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 एक्सपीरियंसेस हुए कि मैं जिंदगी भर अगर बोलती रहूं ना, मैं थक नहीं सकती कभी भी गुरुजी की उस तक, दिस इज द अल्टीमेट ब्लेसिंग दैट एनीबॉडी कैन गेट, और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस, दिस इज द ओनली थिंग दैट गिव्स मी द मोस्ट हैप्पीनेस, एनीथिंग रिलेटेड टू गुरुजी, चाहे गुरुजी का सत्संग हो, चाहे गुरुजी का के बारे में कुछ करना हो, या उनके बारे में संगत को कुछ, नई संगत का अगर कुछ पूछती है, गुरुजी कैसे थे, क्या करते थे, कैसे गुरुजी, कैसे आपको समझ में आया कि गुरुजी भगवान है, या अभी कैसे हो रहा है, गुरुजी अब बॉडी में नहीं है, अब कैसे पता चल रहा है गुरुजी हैं, हमें कैसे पता चलेगा, तो उनके लिए बस मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बोलूंगी, क्योंकि अब टाइम हो गया काफी, आई थिंक इट्स क्वाइट लेट नितिका, अगर काफी लेट है तो आई माइट जस्ट डिसकंटिन्यू नाउ। तो बस इसको शेयर करके मैं खत्म करती हूँ। सो ये तो पहले की बात है, एंड दिस आई मस्ट शेयर समथिंग अबाउट नितिका ऑल्सो, एंड गौरी आंटी एंड अंकल, वो लोग जब हम लोग जो है वहाँ गुरु जी के जाते थे, तो अर्ली 20s में ये लोग जब दे ऑल ज्वाइंड, और फिर किस तरह से वो लोग आते थे वहां से, कुवैत से आते थे, एंड वहां पे जैसे कोई बात नहीं करता था आपस में, हम सब एक दूसरे को देख के स्माइल करते थे, क्योंकि देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। गुरुजी के दरबार में, आप भगवान के दरबार में तो केवल उन्हीं के लिए जाते हो ना, ना तो आप किसी से बातें, मन ही नहीं होता था, क्योंकि गुरुजी को बस सारे निहारते रहते थे, और गुरुजी का ऑरा ऐसा होता था, वो तो ईश्वर है ना, उनका ऑरा ऐसा होता था कि आप जा करके भी आपकी कोई बोली नहीं निकलती थी, जैसे यू आर सो, जैसे कहते हैं मन तन एकदम तृप्त हो जाता था, जैसे आप सो करके उठते हो जब रात में, तो मन नहीं होता ना किसी से बात करने का, बिकॉज यू आर इन टोटल ब्लिस। उसी प्रकार से गुरुजी के पास बैठ के एकदम टोटल ब्लिस में हम सब होते थे, सो वी नेवर टॉक्ड। और गुरुजी ने किस तरह से मिलवाया, नितिका को मिलवाया, एंड आई रियलाइज नितिका इज इन सियाटल, एंड आई, गुरुजी ने हम सबको 2006 में सियाटल भेजा, एंड शी वाज हियर। किस तरह से हम जुड़े, और किस तरह से सत्संग स्टार्ट हुआ, और किस तरह से नितिका ज्वाइंड, और कैसे आई रिमेम्बर गुरुजी के महासमाधि के बाद
जस्ट जो भी गुरु जी के दरबार में जो मिलते हैं वहां एम्पायर स्टेट में, उसके बाद ऐसे मिलते हैं, यू फील दैट यू आर फैमिली. इतना क्लोजनेस, इतना प्यार, बिकॉज गुरु जी ये सब सारे रिलेशन तो पहले बना कर गए हैं, वो हमने थोड़ी ना बनाए हैं. बहुत बहुत चीजें आई हैव लर्न फ्रॉम नितिका ऑल्सो. वो इतने यंग एज में इतनी अच्छी तरह से गुरु जी का के बारे में समझना, गुरु जी के कौन है गुरु जी, क्या है गुरु जी. आई मीन इट्स अमेजिंग हाउ नितिका हैज इवॉल्व्ड एज गुरु जी वॉन्टेड हर टू. With everything what she has gone through, Guruji has always held her hand. Guruji had always been part of her life. And I always, always prayed to Guruji ki Guruji Nitika ko yun hi aap apne saath jode hue hain aur usko pyari si bachche jo hai usko achhi achhi cheeze dete rahe life mein. And Gauri aunty जब आई यहाँ पर सियाटल में, इट वॉज सो ब्यूटिफुल किस तरह से वी ऑल कनेक्टेड मोर डीपली. और सत्संग में यहाँ शुरू कराया गुरु जी ने, और कैसे सत्संग अपने आप किस तरह से सब कुछ होने लगा जैसे गुरु जी कराते हैं. एवरीथिंग वी हैड नो प्लान, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग लाइक हम सब रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल ही हैड इट. And we were just इधर उधर अपने हाथ पैर चलाते थे and control गुरुजी के पास होता. अभी भी यही है. So this is a special, special bonding with this family that Guruji created, and I'm so thankful to Guruji for sending such beautiful souls in our life. एक last में मैं ये कहूँगी कि अब गुरुजी नहीं है तो अब लोग कहते हैं अब कैसे हीलिंग होगी और क्या हो रहा है गुरुजी का. मैं ये कहूंगी गुरुजी के जाने के बाद और भी हीलिंग हो रही है. चाहे वो सियाटल संगत में मैं देख रही हूँ कितनों का ल्यूकीमिया ठीक हुआ है गुरुजी के जाने के बाद. केवल गुरुजी के लंगर प्रसाद गुरुजी का स्वरूप से, और सारी संगत जब मिल करके एक अरदास करती है, गुरुजी सुनते हैं, अपने लिए मांगने के लिए मना करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या हमारे लिए अच्छा है, पर हम दूसरे की वेल विश हो सकते हैं, दूसरे के लिए अरदास कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है हमारे लिए भी कोई अरदास कर रहा हो. तभी मैं कहती हूँ एक परिवार के साथ, एक परिवार की तरह जुड़िए, प्रेम से रहिए सारी संगत. और गुरु जी चाहे वो कितनी लेडीज हैं जो केवल आती थी रोती थी एंड केवल उनको गुरु जी का स्वरूप देती थी मैं, एंड विद इन अ ईयर दे यूज्ड टू कम विद अ बेबी. कितनी बार ये हुआ है, ये कौन कर सकता है, ये गुरु जी कर सकते हैं बिकॉज ही इज द वन. वही सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि गुरु जी ने एक बार मेरे से कहा कि मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी. बिकॉज आई सेड गुरु जी फोटो तो फोटो होती है, आप होते तो. And he said, नहीं, मेरी फोटो को फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो उथे मैं. एंड उसके बाद जब गुरु जी चले गए हैं, वो गुरु जी की फोटो से ही सारी एक्सपीरियंसेस, उस पर मैं पूरी बुक लिख सकती हूँ. आई शुड वन डे मे बी, आई डोंट नो व्हेन गुरु जी वॉन्ट्स, आई फील दैट समथिंग विच आई रियली हैव टू डू. क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स गिरी जी की फोटो से ही हो रही है. अभी लास्ट बस मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से इट्स आल्सो गुरु जी बस नॉट उस तरह के गुरु थे वो, तो वो लोग ह्यूमन हंसाते रहते थे. तो कई हंसाने वाले एक दो मैं शेयर करती हूँ अभी कि कैसे गुरु जी आपकी हर बात सुनते हैं, इवन अभी भी सुन रहे हैं. तो अभी लास्ट दिसंबर में हम लोग वेकेशन पर गए थे मैक्सिको, और जब वहां से उतरे मैं एमपी जी को कंप्लेन कर रही थी कि ओहो आपने कुछ भी मेरे पास कुछ भी लाइक हमेशा इवन दो वी ऑल शुड डू आवर ओन थिंग्स बट आई टोटली डिपेंड ऑन एमपी जी फॉर गिविंग मी मनी सो आई कैन कीप इन माय पर्स. सो आई सर आपने कुछ भी मुझे चेंज नहीं दिया, मेरे पास कुछ को एक भी डॉलर नहीं है बिल्कुल भी. तो कहते अरे आजकल तो सब कार्ड से ही होता है, क्या करोगे छोड़ो. सो मैं ऐसे ग्रम्बल करते हुए लाइन में लगी हुई थी, पासपोर्ट वाले ने बुलाया, मैं गई, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया, कुछ भी नहीं था उसमें.
एंड उसने मेरी तरफ देखा और उस पासपोर्ट से जैसे मिंटेड फ्रेश $100 का एक बिल उसने मुझे दिया और छोटा सा स्वरूप जो आज तक मैंने देखा ही नहीं गुरुजी का, वो उसमें से निकाल के दिया. बोली, बोला, दिस इज इनसाइड योर पासपोर्ट. हाउ कैन इट हैपन? आई डिडंट इवन हैव वन सिंगल डॉलर. एंड हु विल पुट गुरुजी स्वरूप एंड डॉलर $100 बिल इन द पासपोर्ट? इट इज ऑल गुरुजी. Because he can do anything. If he can give life, if he can give a child to a lady who cannot even medically have a child, who can give that? Guruji, moksh kisko de sakte hain? Guruji, aapke pure karm change kar dete the. Aap agar manglik ho, Guruji, wo aapki usme se manglik hata dete hain. Ye hua hai. Kitni baar maine dekha hai sangat mein yahan par. So, only God can do that. And God is ever present. He never leaves. His energies are always there. Once you connect with Him, He's always around with you. He's listening. He will do the best for you. यहाँ पेरिस की बात बताती हूँ, बहुत फनी है. जिस दिन हम लोग यहाँ आए तो खाने के लिए रात हो गई थी, तो MP जी ने कहा वेजिटेरियन हो तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ. सो आई वॉज नॉट लुकिंग एट द मेन्यू. सो इन्होंने अपने हिसाब से चीज पिज्जा, पता नहीं, बहुत ढेर सारी चीज थी उसमें. एंड आई डोंट लाइक चीज. सो आई सेड, आपने क्या ऑर्डर करा, मैं तो खा नहीं पाऊंगी. वी वर जस्ट टॉकिंग. इस डायरेक्टली खा लो इधर से निकाल करके जो भी है. सो एनीवे, वो काफी पिज्जा बच गया था तो वो कहने लगा कि ओह, शुड आई पैक? सो ही सेड ओके. सो जब उसने पैक किया, फिर वो दौड़ा दौड़ा आया. And he gave me 2-3 slices of pure vegetarian pizza. Who can do that? We never ordered that. He said, this is for you. I'm just looking at him. I brought it home. I knew this is Guruji's prasad. He's watching 100% each and every day. जैसे है ना कि छोटी छोटी चीजों में रहमतें होती हैं गुरुजी की. आप बहुत बड़ी बड़ी चीज ना देखो, आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहो. आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखो. आप गुरुजी से जुड़ो. गुरुजी से जुड़ने का मतलब है तार से तार मिलाओ. गुरुजी कहते थे कि गुरुजी के लिए मौजूद हो. जब आप बैठो गुरुजी के साथ, तन मन बिल्कुल शांत हो के चुपचाप, मन ना भी लगे तो भी चुपचाप बैठे रहो. ध्यान ना लगे कोई बात नहीं, केवल शब्द वाणी सुनने में ध्यान डाल दो, बस वही आपका ध्यान हो जाता है. सो दिस इज द सम फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर अबाउट गुरुजी इन द शॉर्ट टाइम. गुरुजी ने चाहा तो फिर कभी सुनाएंगे और आगे. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच नितिका फॉर दिस ब्यूटिफुल टाइम फॉर मी. जय गुरुजी. थैंक यू संगत जी. जय गुरुजी. Auntie, thank you not to me, thank you to Guruji for sending you, thank you for sharing your beautiful satsang messages. And you know, Auntie, I had just shared something for Samadhi Day. मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया, पर जो जो मैंने लिखा था उसमें उसका जवाब भी आज मुझे दे रहे हैं. Like I had wish Guruji would hold my hand, and you literally were saying you were hoping Guruji was holding my hand all this time. मतलब आप Guruji की देखिए, लाइक लिटरली व्हाट आई हैड रिटन एंड आई विल सेंड इट टू यू. बट आई एम जस्ट अमेज्ड हाउ गुरुजी ट्रूली, एज यू सेड, यू नो, आई नीडेड अ संगत मदर एट दैट टाइम. आई नीडेड अ प्लेस टू गो एट दैट टाइम एंड गुरुजी गेव मी यू एंड अंकल एंड सियाटल संगत एंड आई लर्नड एवरीथिंग देयर सो दैट टुडे वी कैन डू समथिंग एंड नाउ यू आर हियर. So feeling very blessed and grateful, and you know, aapse, even me and mom and dad have learned so much. My whole family has learned so much. So no. Our only teacher is Guruji. Guruji, jisko jo sikhate hain, hum wahi seekh paate hain. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you to Guruji for sending you, auntie. Thank you for sharing. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. थैंक यू फॉर लिसनिंग संकेत जी. आप जो भी आज्ञा ले रहे हैं आप आज्ञा ले सकते हैं. प्लीज डेफिनेटली टेक गुरुजी आज्ञा. हम तभी संगत छोड़ते हैं जब गुरुजी आज्ञा देते हैं. जय गुरुजी.
शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आपने बहुत ध्यान से और धैर्य से गुरुजी का सत्संग सुना। गुरुजी आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। आंटी जी ने अभी आपने सुना कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। सब गुरुजी की महिमा है, सब गुरुजी की कृपा है। कब किसको क्या देंगे गुरुजी, यह गुरुजी जानते हैं। समय स्थान सब कुछ गुरुजी निश्चित करते हैं, परंतु गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार भी करते हैं और समय आने पर गुरुजी तुरंत आशीर्वाद भी देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आपने अंकल आंटी जी का इतना प्यारा सत्संग सुना, दिल गदगद हो गया। आंटी जी, अंकल जी को थैंक यू सो मच। हम लोगों के बीच में ऐसे ही आंटी जी हमेशा आती रहें और गुरुजी का प्यारा प्यारा सत्संग सुनाती रहें। गुरुजी आंटी जी को बहुत ब्लेस करें। गुरुजी की कृपा आंटी जी पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी का लेटेस्ट सत्संग देखने को सुनने को आपको मिलता रहेगा। गुरुजी की कृपा लखनऊ के संगत पर, भारत सहित उत्तर प्रदेश, विश्व में गुरुजी का सत्संग चल रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद पूरे विश्व में फैल रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, सत्संग के दौरान जो गलती हुई है महाराज जी माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।